हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल कुक विथ रचना में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सोयाबीन, आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे, जो खाने में रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी खाने में बहुत अच्छी लगती है और टेस्टी भी लगती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 2 उबले हुए आलू, हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज के प्याज हमने कट कर लिए हैं और सोयाबीन को पानी में भिगोकर उससे पानी निचोड़ कर ले लिया है और 1 टमाटर को काट लिया है। तो टमाटर और हरी मिर्च को पेस्ट बना लिया है हमने मिक्सी में डालकर, और उसमें 1 चम्मच मसाला पाउडर डाल दिया है जिसमें जीरा, धनिया और काली मिर्च का पाउडर है। तो कढ़ाई गर्म करके उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल करके हमने सोयाबीन और नमक को भून लिया है। तो ये लगभग हमारा सोयाबीन भूनकर तैयार है, इसे निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में कुकिंग ऑयल फिर से डालकर आलू, उबले हुए आलू को भून लेंगे और उबले हुए आलू में भी थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ही डालेंगे और हल्दी डालेंगे, नमक और हल्दी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि बाद में फिर हम मसाले में भी डालेंगे। तो हमारी ये आलू फ्राई हो गई है, इसे निकाल लेंगे और फिर इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल करके जीरे का तड़का लगा देंगे और 2 तेज पात के पत्ते डाल देंगे और हम अपनी कटी हुई प्याज को भी डालकर भून लेंगे। अब यहाँ भी थोड़ा सा नमक डालना है और थोड़ा सा हल्दी। नमक और हल्दी थोड़ा थोड़ा ही यूज करेंगे क्योंकि हमने पहले भी नमक और हल्दी आलू में डाला है। तो हमारी यहाँ प्याज सुनहरी भुन गई है। अब टमाटर की पेस्ट और उसमें हमने जो मसाले डाले थे, धनिया, काली मिर्च और जीरा का पाउडर मिक्स किया हुआ था, 1 चम्मच हमने डाला था, अब इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये लगभग फ्राई हो ही गई है। अब हम इसमें अपने फ्राई किए हुए आलू डालकर थोड़ा सा भुनेंगे और फिर इसमें फ्राई किए हुए सोयाबीन डाल देंगे और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालकर फ्राई कर लेंगे। तो ये लगभग हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। गाढ़ी ग्रेवी रखनी है तो कम पानी डालेंगे और पतली रखनी है तो ज़्यादा पानी डालेंगे और इसे 5 मिनट तक उबाल लेंगे हाई फ्लेम पर। तो ये लगभग उबल गई है। अब हम गैस बंद करके इसे एक अलग बर्तन में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी हो बन गई है। अब हम गैस बंद कर लेंगे। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताएं। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है, तो इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, आपके कमेंट का भी बहुत स्वागत है। तो आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको हमारी रेसिपी की वीडियो की लगातार अपडेट मिलती रहेगी। तो हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।